एक राजा था, उसके चार बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। राजपाट मतलब राज्य का शासन। इसका फैसला कैसे हो, वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दोनों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। संदूकची मतलब छोटा संदूक। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। तनिक मतलब थोड़ा। शरारते करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद मतलब उद्देश्य। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। 2 3 दिनों तक वो सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। कड़क कर मतलब जोर से। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपने संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहां से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन-किन चक्करों में पड़ जाते हैं? चक्कर में पड़ जाना मतलब दुविधा में पड़ना। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। उम्मीद मतलब
आशा। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? चक्कर लगाना मतलब घूमना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। बालियां मतलब गेहूं, ज्वार, बाजरे आदि के पौधों का अगला भाग, जिस पर दाने होते हैं। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये हैं वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। गले लगाना मतलब प्यार से मिलना। उत्तराधिकारी मतलब वारिस।